हेलो दोस्तों, राधे राधे। आपका अपना चैनल फैशन अटायर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाएंगे जन्माष्टमी के लिए स्पेशल। ये देखिए, ये हमने रेड कलर का कपड़ा लिया है, ये चोली की पट्टी के लिए लिया है। चलो इसको बाद में समझाएंगे। सिर्फ हम एक रिबन लगाएंगे और ये हमने लेस ली है। ये सी ग्रीन है, इसमें तो कलर अलग ही दिखाई दे रहा है, पर ये सी ग्रीन की लेस है। ये जो घेरे की चौड़ाई है ये हमने लिया है 5 इंच। देखिए, और इसकी लंबाई रखी है हमने पूरी 1 मीटर की, जो घेरे की लंबाई है पूरा हमने कपड़े का अर्ज रख लिया है। और ये हमने रेडीमेड थोड़े से फूल लिए हैं, इनके भी इसी देख कोशिश करेंगे कहीं इनको भी हम इस पर ड्रेस पर यूज करेंगे इनका। चलो जल्दी से शुरू करते हैं। आज हम जन्माष्टमी के लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर अपने कन्नू जी के लिए, बाकी बिहारी जी के लिए, हम कल उनके उनका ही दिन है तो इसलिए हम उनके लिए बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस बनाते हैं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हल्का सा इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, फिर इसके ऊपर हम गोल्डन रिबन लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ऐसे हमने इसको बारीक बारीक फोल्ड करना है। ये देखिए, अब इसमें हमें जो हमने चौड़े वाला रिबन लिया हुआ है ये वाला, ये इस पर हम यहाँ लगा देंगे ऐसे करके। ये देखिए दोस्तों, ऐसे हमने इस पर रिबन लगाना है। ये अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने ये वाली लेस लगानी है। हल थोड़ा सा हमने ये रेड यहाँ दिखाना है ऐसे करके, ये रेड ये लेस जो लगानी है हमने इसको लगा लेते। ये देखिए दोस्तों, ऐसे हमने लेस लगानी है, कितनी सुंदर लग गई हमारी लेस। अब हम इसमें चुंग भरेंगे, ऐसे प्लेट डालनी है छोटी छोटी करके ऐसे करके, ऐसे इस पर प्लेट डालते हुए जाएंगे ऐसे। ये देखिए दोस्तों, हमने इसमें ऐसे डालनी है छोटी छोटी प्लेट। अब इसको हम हल्का सा प्रेस कर लेते हैं, फिर ये हमारा देखिए ऐसा दिखाई देगा, ये ऐसे बन के आएगा हमारा जो घेरा है, ये ऐसे दिखाई देगा। अब इसको मैं थोड़ी सी प्रेस मार लेती हूँ, उसके बाद हम चोली बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसकी चोली बनाएंगे। ये मैंने पट्टी ली है 2.5 इंच और इसकी लंबाई ली है मैंने 11 इंच, ये देखिए 11.25 के करीब है। अब इस पट्टी को हम ऐसे जोड़ लेते हैं, इसको यहाँ सिलाई कर लेते हैं ऐसे, हमने एक सिलाई मारेंगे, इसको भी पलट लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ऐसे पट्टी पर सिलाई लगानी है इस पर ऐसे करके उल्टी, और इसको हम इधर से ऐसे सीधा कर लेंगे इसको। देखिए दोस्तों, हमने ये चोली की पट्टी बना ली है अपनी। देखिए इसको हल्की सी ऐसे प्रेस कर दी। हमने क्या करना है, इस पर ये जो हमारी ग्रीन कलर की लेस है तो इस पर हम ये ऐसे करके इसको लगाएंगे, सिलाई से ही मशीन से लगाएंगे इसको भी। ये देखिए दोस्तों, लेस हमारी लग गई है, कितनी सुंदर लेस लगी है, कितनी सुंदर हमारी पट्टी बन गई है। ये देखिए, अब हम इसके काट का दो ऐसे कर लेते हैं ऐसे। देखिए इसको ऐसे काट लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी ये दो पट्टी बन गई है। अब हमने जो ये घेरा बनाया है ये देखिए प्रेस कर लिए, कितनी सुंदर बैठी है इस पर प्रेस। अब इस पर हम ये रेड कलर की हमने पाइपिंग ली है, तो ये उल्टी साइड से हम इस पर पाइपिंग लगाएंगे ऐसे करके, इधर से ऐसे लगानी शुरू करेंगे। ये देखिए दोस्तों, पाइपिंग लगा ली उल्टी साइड से, थोड़ी सी पाइपिंग को खींच कर लगानी है ताकि हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ जाए। पाइपिंग अगर हम खींच कर लगाएंगे तो ये ऐसे आएगी, देखिए कितनी सुंदर बैठेगी। अब हम इसको सीधी तरफ, अब इसको इधर से मोड़ देते हैं, इसको सीधी साइड से यहाँ से शुरू करेंगे मोड़ना। इसको ऐसे दोनों साइड ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे सिलाई कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, पाइपिंग लगा ली है हमने। देखिए पाइपिंग कितनी सुंदर लगी है। अब हम इसको ऐसे पकड़ते हैं, यहाँ से इसका सेंटर का निशान लगा लेते हैं यहाँ। ये देखिए, अभी हमने दो पट्टी जो बनाई थी हमने ऐसे करके लगानी है, ये ऐसे यहाँ ऐसे रख। ये देखिए दोस्तों, चोली लग के तैयार हो गई है हमारी।
हम आप इसको आप खुला भी रख सकते हैं, ऐसे बांध देंगे इसको इसके ऊपर ऐसे। मैं इसको यहाँ सेट करूँगी, मैं इसको यहाँ ऐसे सिलाई कर दूँगी, दोनों साइड से इसको ऐसे ज्वाइंट कर देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ऐसे हमारी ये ड्रेस तैयार होएगी। ये फूल हम अभी चिपकाएंगे इस पर, ये थोड़ा टाइम लगेगा चिपकने में, इनको बाद में चिपकाएंगे, ये हमने ऐसे इस पर लगाने हैं फूल। अभी मैं कान्हा जी को पहना कर दिखाती हूँ। मेरे पास वैसे 5 नंबर के तो है नहीं, पर 4 नंबर के को पहना कर दिखाऊँगी। हल्की फुल्की थोड़ी सी ढीली आएगी उनको, पर मैं एक बार ड्रेस को आपको पहना कर दिखाती हूँ हमारे कान्हा जी इसको पहन कर कैसे लगेंगे। ये देखिए दोस्तों, कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। हल्की सी इनको लूज है, ताकि क्योंकि ये 4 नंबर के हैं। ये ड्रेस जो बनाई है हमने 5 नंबर की बनाई है, और ये बनाई है हमने पगड़ी के साथ। ये इनकी उनकी पगड़ी है, इनको पगड़ी भी लूज ही आई थी थोड़ी सी है। ये देखिए पगड़ी भी कितनी सुंदर बनी है हमारी। ये देखिए ये ड्रेस हमारी ऐसी तैयार होके आई है, कितनी खूबसूरत लग रही है। और हमारे कान्हा जी भी कितने सुंदर लग रहे हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, और जन्माष्टमी स्पेशल ड्रेस हमारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।